हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग 4 दशमह पाठ प्रकृति रक्षणम। हम इसको करेंगे प्रोटेक्ट ऑफ नेचर। हम कैसे प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में जानना कि हम प्रकृति की रक्षा, नेचर की को कैसे सेव कर सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं प्रकृति रक्षणम। यहाँ आप देख रहे हो ये सब बच्चे खेल रहे हैं बच्चों, और ये यहाँ पर पार्क में खेले हुए हैं। दिव्या ने कहा वही सूर्य से आतप आसित अस्ति। बाहर सूर्य की तेज गर्मी है, गुहे च विद्युत अपि नास्ति, और घर में बिजली भी नहीं है। उष्णतया पीड़िता अस्मि, मैं गर्मी से बहुत पीड़ित हूँ। किम करवाणि, क्या करना चाहिए। कुत्र गच्छानि, कहाँ जाएं। अरे कीर्ति इत एव आयति, अरे कीर्ति इधर आओ तुम। आगत्य, आकर। कीर्ति ने कहा दिव्ये उष्णतया व्याकुला अहम्। तो कीर्ति ने भी कहा कि दिव्या हम गर्मी से बहुत परेशान हो रहे हैं। दिव्या ने कहा अहम अपि तथैव, मैं भी ऐसे ही हो रही हूँ। आगच्छ, चलो सरस्वती वर्तिनम उद्यानम गच्छामि, हम सरस्वती नदी के किनारे चलते हैं। उभे तत्र गच्छतः, वहाँ वे दोनों चली जाती हैं। कीर्ति दिव्ये पश्य सरस्तीरे बालकः बालिका च विविधा क्रीड़ा क्रीडन्ति। कीर्ति ने क्या कहा, दिव्या देखो सरस्वती के किनारे पर बालक और बालिका बहुत सारे खेल खेल रहे हैं। दिव्या ने कहा सखे सरोवरस्य तटे स्थिताम वृक्षावलिम पश्य। मित्र जो सरोवर के किनारे पर जो पेड़ों की पंक्ति है उसको देखो। अत्र वटस्य शीतलायाम छायाम तिष्ठावे, हम यहाँ वट वृक्ष की ठंडी छाया में बैठते हैं। बहुकालम यावत् ते तत्र अतिष्ठाम अभ्रमताम च, बहुत समय तक वो दोनों उस पेड़ की ठंडी छाया में बैठी रहीं और घूमने लगी। कीर्ति ने कहा पश्य पश्य सरोवरस्य तटे स्थिता कूर्मा जनेभ्य भीता सरसी प्रविशन्ति। कीर्ति ने कहा देखो देखो सरोवर के किनारे पर जो कछुए हैं उन वो लोगों से डर कर और फिर नदी में प्रवेश कर रहे हैं। मंडूका अपि इतस्ततः उछलंती, और मेंढक भी इधर उधर उछल रहे हैं। श्वेत बिंदु भी क्लिन्ना बालका सरसी कूदंती, पसीने में भीगे हुए बच्चे भी इधर उधर नदी में कूदते हैं। दिव्या ने कहा सत्यम मनोहरम अस्ति इदम दृश्यम, ये दृश्य तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। कीर्ति ने कहा सरोवरे द्विविधानि कमल पुष्पाणि पश्य। कीर्ति ने कहा इसमें इस सरोवर में दो प्रकार के कमल देखो आप खिले हुए हैं। दिव्या ने कहा द्विविधानि कमल पुष्पाणि पश्यामि, मैं भी दो प्रकार के कमल देख रही हूँ। परंतु एवं कथम संभवति, यह कैसे संभव होता है। कतिपयानि विकसितानि कतिपयानि च अविकसितानि एव, कुछ खिले हुए हैं और कुछ बिना खिले हुए हैं। कीर्ति ने कहा यानी सूर्योदय काले विकसंती, जो सूर्योदय के समय खिलते हैं, सूर्यास्त च निमीलंती, और सूर्य अस्त के समय जो छिप जाते हैं, तानि पद्मानि, वो पद्म है। यानी विकासार्थ चंद्रोदयम अपेक्षन्ते तानि कुमुदानि, और जो विकास के लिए चंद्रमा के उदय होने पर खिलते हैं वो क्या है, वो कुमुद हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार के कमल उन्होंने बताए। दिव्या ने कहा पश्य तत्र बालका बालिका च प्रकृते अभिनयम कुर्वन्ती, देखो यहाँ कुछ बालक और बालिका प्रकृति का नाटक कर रहे हैं। उभे तेषाम अभिनयम पश्यते, वो दोनों उनका नाटक देखती हैं। जलम, जल, एक बच्चा जल बना हुआ था, वो कह रहा है जल के बनकर कह रहा है अहम जलम अस्मि, मैं जल हूँ। सांप्रतम महाकष्टे पतिते अस्मि, बहुत समय से मैं बहुत कष्ट में हूँ। जना रासायनिकम अवकरम मई पात्यन्ति, लोग रासायनिक कूड़ा मेरे अंदर डालते हैं। मम ग्रहाणि यथा सरांसी नदी सागरान च प्रदूषन्ति, जो मेरे घर हैं तालाब नदी सागर उन सबको क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तत्र वसतः जंतून विशिष्ट मत्स्यान कच्छपान मकरान मंडूकान च पीड़यन्ति, और वहाँ रहने वाले जंतुओं को, विशेष रूप से मछलियों को, कछुओं को, मगरमच्छों को और मेंढकों को पीड़ित करते हैं। तो वृक्ष, एक जो वृक्ष बना हुआ था उसने बोला अहम वृक्ष अस्मि, मैं वृक्ष हूँ, मैं पेड़ हूँ। अहम अपि महाकष्टे पतिते अस्मि, मैं भी बहुत कष्ट में हूँ, बहुत दुखी हूँ। प्रदूषणेन अस्माकं विकासः अवरुद्धः जातः, प्रदूषण होने से हमारा विकास रुक गया है।
वयम रुग्णा खिन्ना च भवामे, हम बहुत रोगी बीमार हो गए हैं और हम बहुत दुखी हो गए हैं। निरंतरम कर्तनेन्तु वयम नष्टा एव भवामे, लगातार हमें काटे जाने से हम क्या हो रहे हैं, हम बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। सिंह है, जो सिंह बना हुआ था उसने बोला अहम वन राजा अस्मि, मैं वन का राजा हूँ। कर्तनम अहर्निशम चलति, ये जो वनों की कटाई है दिन रात चल रही है। मानवी अस्माकम वन्य जीवनाम ग्रहाणी विनाशितानी, मनुष्य हमारे वन जीवों के घरों को उनको नष्ट कर रहे हैं। अस्माकम जीवनम अपि संकटग्रस्तम जातम, हमारा जीवन भी संकट में पड़ गया है। क्योंकि बच्चों आपने देखा कि सारे जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। जब जंगल में पेड़ काटे जाएंगे, नदियों में कूड़ा फेंका जाता है, तो ये जो प्रदूषित कर रहे हैं नदियों को, पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटने से सारे जंगल के जानवर भाग रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो, तो इससे सब वन प्राणी बहुत दुखी हैं। जना वनानी कृतंति असमान च हनन्ति, लोग वन काट रहे हैं और हमें मार रहे हैं। वृद्ध ने, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सत्यम कथयन्ति तर्वह तरवह वन्य प्राणी ने जल स्रोतान सींच, उसने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि वहाँ पर वन्य प्राणी और जल स्रोत हैं, जल स्रोतांसी वृक्षा वन्य पशुश्च मानवानाम कृते प्रकृते उपहारा। वृद्ध ने कहा जल के स्रोत वृक्ष और वन के वन में रहने वाले पशु पक्षी मानवों के लिए प्रकृति के उपहार हैं। एतेषां विनाशेन मानवानां विनाश निश्चित है, इनका विनाश होने पर मनुष्यों का विनाश एकदम निश्चित है। अतः अस्माभिः तथा कर्तव्यम् यथा स्थलम् जलम् गगनम् वनानि च दूषितानि नष्टानि वा न स्युः, इसलिए हम सबारा हमारा सबका ये कर्तव्य है कि हम जगह ठीक जगह का, जल का, आकाश का, वनों का, और हम उनको किसी भी प्रकार से दूषित ना होने दें। हमारा कर्तव्य है कि हम आकाश को, जल को, वायु को, वन को किसी भी तरीके से दूषित ना होने दें। मानवा वन्य प्राणी न च सुखेन वसंतु, और मनुष्य और वन के प्राणी सब सुख से रहें। तब सबने मिलकर कहा शोभनम शोभनम, ठीक है, बहुत अच्छा है, वयम प्रकृते विनाशम न करिष्यामि, हम प्रकृति का विनाश नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने सबने ये कहा कि हम प्रकृति का विनाश नहीं करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि प्रकृति का कैस किस प्रकार से विनाश हो रहा है। लोग पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, जिससे वन में रहने वाले प्राणी सभी परेशान हैं, और नदियों को दूषित किया जा रहा है, उनमें कूड़ा फेंका जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमें ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम उसको गंदा नहीं करेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे, बल्कि पेड़ लगाएंगे। सभी ने यह शपथ ली, आप भी मिलकर यह शपथ लीजिए कि हम पेड़ लगाएंगे, जिससे कि वो पेड़ बड़े होकर किसी को छाया देंगे। और पेड़ से कितना फ़ायदा होता है, जब हम कभी रास्ते में थक जाते हैं तो हम ये सोचते रहते हैं कोई भी ऐसी जगह आ जाए, एक छाया मिल जाए, हम आराम कर सकें। जब पेड़ लगेंगे, हमें छाया मिलेगी, तो हम अगर ना लेंगे तो आने वाले लोग भी कहेंगे अरे कितना अच्छा पेड़ लगा दिया किसी ने, कि हमको ये आराम दे रहा है, हमें छाया दे रहा है। तो इस प्रकार हमने बच्चों प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में जाना, कि हम जब रोक लगाएंगे दूसरा भी तभी मानेगा। अगर हम खुद ही गंदा करेंगे नदियों को, वहाँ जाकर कपड़े धोते हैं, वहाँ जाकर कूड़ा कचरा डालते हैं, उनको मना करेंगे कि नदियों को गंदा ना करो, क्योंकि नदियों का जल स्वच्छ रहने दो उसको, तभी तो सबके पीने के काम आता है ना। तो इस प्रकार बच्चों पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। बहिः यानी कि बाहर, आतपः गर्मी, विद्युदपि बिजली भी, उष्पातया गर्मी से, उष्णातया उष्णतया यानी कि गर्मी से, आयाति आ रही है, उभे दोनों, पश्य देखो, सरोवर सरोवर के किनारे, वृक्ष वलिम वृक्षों की पंक्ति को, वृक्ष अवलिम है ना, अतिष्ठताम बैठी, कूर्मा कछुए, श्वेत बिंदु भी पसीने से, विलक्लिन्ना भीगे हुए, कतिपयानी कुछ, रासायनिकम अवकर रासायनिक रासायनिक कूड़े आदि को, पात्यंति गिराते हैं, वसत रहने वालों को, जंतुन प्राणियों को, रुग्णा रोगी, खिन्ना दुखी, कर्तनेन काटने से,
विनाशितानी नष्ट कर दिए गए हैं, अहर्निशम रात दिन, कृतंती काटते हैं, हनंती मारते हैं, प्रकृते प्रकृति का, उपहारा उपहार, वन्य प्राणी न जंगल के प्राणी। तो पाठ में आए हुए बच्चों हमने कुछ शब्द और उनके अर्थ के विषय में जाना। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर आप हिंदी में भी दे सकते हैं। दिव्या केन पीड़िता अस्मि, दिव्या किससे पीड़ित थी? उष्णया आतपेन, सूर्य की गर्मी से, है ना। उष्णतया का व्याकुल अस्ति, गर्मी से कौन व्याकुल था? कीर्ति, कीर्ति गर्मी से बहुत व्याकुल हो रही थी। उभे कुत्र गच्छत है, दोनों कहां गई? सरस नदी तीरे, दोनों नदी के किनारे पर जाकर बैठ गई। सरस तीरे बालका बालिका किम कुर्वन्ति, नदी के किनारे बालक और बालिका क्या करते हैं? ते क्रीडन्ति, है ना, वो खेल रहे थे। कीदृशा बालका सरसी कूर्दन्ति, कैसे बालक नदी में कूद रहे थे? श्वेत बिंदु भी क्लिन्नः, बालकः, पसीनों में भीगे हुए बालक नदी में कूद रहे थे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला है डैश व्याकुला अहम, उष्णतया व्याकुला अहम, मैं गर्मी से व्याकुल हूं। आगच्छ सरस्वती वर्तिनम, उभे गच्छाव। नेक्स्ट है डैश क्लिन्ना बालका सरसी कूर्दंती, श्वेत बिंदु भी पसीने में भीगे हुए बच्चे नदी में कूदते हैं। सत्यम डैश अस्ति इदम दृश्यम, सत्यम मनोहारी, अस्ति इदम दृश्यम, मानवा वन्य प्राणी च सुखेन वसंतु। तो पाठ में आए हुए बच्चों हमने कुछ खाली स्थानों को भरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, सही विकल्प से सही उत्तर चुनकर हमें लिखना है। पहला है ग्रहे च नास्ति भोजनम विद्युदपि जलम, घर में क्या नहीं था? बिजली भी नहीं थी। नेक्स्ट है फिर वन्य जीवानाम ग्रहाणी विनाशितानी, वन्य जीवों का के घरों को विनाश कर दिया है किसने? मानव ने, पशु ने या वर्षा के जल ने? मानवा, मनुष्यों ने। नेक्स्ट सरोवरे कति विधानी कमल पुष्पाणी पश्य, कितने प्रकार के सरोवर में कमल दिखे? त्रैविधानी द्विविधानी चत्वारे विधानी, दो प्रकार के कमल दिखे। एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों हमारी, संस्कृत के कुछ वाक्य हैं जिनका कि हमें हिंदी में अनुवाद करना है। उष्णतया व्याकुला अहम, गर्मी से मैं व्याकुल हूं। आगच्छ सरस्वती वर्तिनम उद्यानम गच्छाव, चलो सरस्वती किनारे बगीचे में चलते हैं। अहम वनराजास्मि, मैं वन का राजा हूं। द्विविधानी कमल पुष्पाणि पश्यामि, दो प्रकार के कमल देखता हूं। वयम प्रकृते विनाशम च न करिष्यामि, हम प्रकृति का विनाश नहीं करेंगे, हम प्रकृति का विनाश नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमने कुछ संस्कृत के वाक्य थे जिनका कि हमने हिंदी में अनुवाद किया। और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5, संस्कृत के अनुवाद करो। ये कुछ हिंदी वाक्य दिए हुए हैं जिनका कि हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। बाहर सूर्य की गर्मी है, बहि
सूर्यस्य आतपः आतपः अस्ति। नेक्स्ट है क्या करूं कहा जाऊं, किम करवाणि कुत्र गच्छामि कुत्र गच्छानि। नदी किनारे बच्चे खेल रहे हैं। सरस तीरे बालकः क्रीडन्ति। नदी में कमल के फूल खिले हैं। नदीषु कमलानि विकसन्ति। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में किसने कहा यह बात, ये बतानी है। पहला है अस्माकं जीवनम अपि संकटग्रस्तम जातम, हमारा जीवन भी संकट में हो गया है। किसने कहा ये, सिंह ने कहा। मम ग्रहाणि यथा सरांसी नद्यः सागरांश्च प्रदुषन्ति, ये जल ने कहा। उष्णतया पीड़िता अस्मि, गर्मी से पीड़ित हूं मैं, ये किसने कहा, कीर्ति ने कहा। आगच्छ सरस्वती वर्तिनम उद्यानम गच्छामि, चलो नदी के किनारे बगीचे में चलते हैं, किसने कहा, दिव्या ने कहा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, विपरीत शब्द लिखने हैं। वंदे वंदना करते हैं और अवंदे। अस्ति नास्ति, कूदते हैं तिष्ठति बैठते हैं, भवाम आप और मैं अहम, कुरु मा कुरु। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके कि हमें वाक्य बनाने हैं। पहला है उष्णतया, अहम उष्णतया व्याकुलो अस्मि। दूसरा है श्वेत बिंदु, बालकः श्वेत बिंदु क्लिन्ना। भवंती कमल पुष्पाणि, कमल पुष्पाणि सरोवरे विकसन्ति। वन्य जीवानां अस्माकं वन्य जीवानां संरक्षणम् कुर्येम। हमें वन के प्राणियों का जीवन की संरक्षा, उनकी रक्षा करनी चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चों। जैसे ये दिया हुआ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ये जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों के हम कैसे इनके द्विवचन बहुवचन में या द्विवचन बहुवचन में इन शब्दों के बनाएंगे। अस्ति, स्तः और संति। यह कुंतती, यह क्रंतती, क्रंततः क्रंतंती। करवाणि करवाणि करवावः करवामः। फिर है कूर्दती कूर्दतः कूर्दन्ति। फिर यह तिष्ठावर तिष्ठामि तिष्ठावः और तिष्ठामः। अस्ति स्तः संति। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, रचनात्मक कार्य है, एक्टिविटी है।
जिसको कि आपको कि हमें प्रकृति से क्या क्या लाभ है, नेचर हमें क्या क्या लाभ देती है, इनके बारे में आपको ऐसा विचार करो कि क्या क्या चीज़ हमें प्रकृति से मिलती है, पेड़ हमें क्या देते हैं, नदियाँ हमें क्या देती हैं, वन के जंगली जानवरों से हमें क्या मिलता है, क्या मिल सकता है, इन सब के बारे में लिखकर आपको अपनी एक्टिविटी कॉपी में उस कॉपी अपने टीचर को दिखाना है और सुंदर रचनात्मक कार्य करिए बच्चों। आपने जाना प्रकृति का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, सब कितने दुखी हैं, वन के जीव भी दुखी हैं, पेड़ पौधे भी दुखी हैं, नदियाँ भी दुखी हैं, तो हमें उन सबको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये विचार करके आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।